यजीद में बड़ी ऑफर की थी ऑल ऑफ देम, आप जितनी चाहे जहां चाहे मुझे बताए मैं मस्जिदें बनवा दूंगा। अब मैंने कहना कुछ है, आपने समझना कुछ है। आप जितनी कहे मैं मस्जिदें खुलवा दूंगा, आप जितने कहे मैं मदरसे खुलवा दूंगा, आप मस्जिदों में नमाजें पढ़वाएं, आप मदरसों में दर्स दें। जब इतनी ऑफर हो रही थी फिर मौला हुसैन क्यों नहीं माने? उसने कहा क्या था? उसने कहा आप जो करना चाहते हैं करें, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जो करना चाहता हूँ उसमें आप मस्जिदें बनवाना और बात है, मदरसे बनवाना और बात है। मौला हुसैन ने मस्जिदें छोड़ दी, मदरसे छोड़ दिए, हक की आवाज उठा। मजलिसे करना और है, मातम करना। जब मौला हुसैन मदीने से चले, मदीने वालों को नहीं पता था कि मौला हुसैन कौन है, पता था कि नहीं पता। अजमते सहाबा का नारा लगाने वाले, नामू से सहाबा का नारा लगाने वाले, रसूल गए हुए 50 साल हुए, इसका मतलब है जिन्होंने इमाम हुसैन को रसूल के कांधों पे देखा वो भी जिंदा थे। गए मौला हुसैन के साथ, मीजान लगा रहे, सब अपने अपने आप को तोड़े, क्यों नहीं गए? मौला मक्के में आए, 4 महीने रहे, हज को उमरे में बदला। मौला ने कहा मेरी कश्ती निजात तैयार है, गए साहब? नहीं गए। अगर आज मौला हुसैन आए कि मेरी कश्ती तैयार है, कौन कौन जाएगा? आप सब जाएंगे, जाएंगे। अगर सब तैयार हैं तो मौला का जहूर क्यों नहीं होना? आप अपने वक्त के हुसैन के लिए तैयार हैं? हम कहते हैं बेवफा कूफे वाले, कूफे वालों की गलती क्या थी जो हम कर रहे हैं? आला जल, आला जल बुला रहे हैं। कूफे वालों ने मौला को बुला लिया था, तैयार नहीं थे, तैयार नहीं थे। हम भी वो ये गलती कर रहे हैं, हम अला जल कह के मौला को बुला रहे हैं लेकिन तैयार नहीं है। और अगर मौला आ गए हमारी तैयारी के बगैर, अव्वल तो आएंगे नहीं, अगर आ गए तो उनका भी वही हाल होगा जो 11 इमामों का हुआ। कूफे वाले क्या सारे बेवफा थे? अब अपना अपना मीजान अपने हाथ में रखिए, मैं बताऊं कूफे वाले क्या होते हैं। मौला हुसैन के आने से पहले कई के सर कलम कर दिए गए, सारे बेवफा नहीं थे। कितनों के सर कलम हो गए, कितने लोगों को जिंदानों में डाल दिया। जनाबे मुख्तार जिंदान में थे कि नहीं थे? कोई रह की हकूमत पे बिका, कोई एक कुएं पे बिका, कोई एक बाग पे बिका, कोई जमीन पे बिका। अल्लाह अकबर, बिका के नहीं बिका। आज हम देखे हम कहें क्या हमारे सर कलम हो गए? बोलिए अपने वक्त के इमाम के लिए बोलिए, क्या हमारे सर कलम हो गए? नहीं। क्या हमें जिंदान में रख दिया? नहीं। क्या हम बिक गए? नहीं। अगर 3 बातें नहीं तो फिर तो मेरे पास चौथी वजह रह जाती है। सुनेंगे आप मीजान लगाएंगे, तीनों में से अगर आप नहीं है तो फिर कहां पे हैं हम? एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने अजदी था, कूफे का रहने वाला अब्दुल्ला इब्ने अजदी। वो 6 माह से कूफे से बाहर था, रोजगार के सिलसिले में गया था, उसको नहीं पता कूफे में क्या हो गया, उसको नहीं पता कि मौला हुसैन को खत लिखा गया, मौला हुसैन को बुलाया गया, क्या हो गया। 6 माह के बाद कूफे वापस आया। जब वो कूफे आया वो दिन था 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, यानी आशूर का दिन। कहते सन्नाटा था, कोई भी कूफे में नजर नहीं आ रहा था। कहते मैं परेशान हुआ, मैं जल्दी से आगे बढ़ा तो मैं और हैरान ज़दा रह गया। बाजार बंद, दुकानें बंद, ना कोई आदमी है, ना कोई औरत है, ना कोई बच्चा है। कहता अब मैं इतना परेशान हुआ, क्या कोई वबा आ गई, क्या कोई आफत आ गई, आखिर हुआ क्या, कूफे के लोग कहाँ गए? कहते मुझे अपने खानदान की फिक्र हुई,
मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर की जाने दिया कि अल्लाह मेरे घर वालों की खैर हो। कहता जब मैंने घर का दरवाजा खोला सामने बेटी नजर आई, कहता मेरे दिल को सुकून आया, मैंने बेटी के सर पे जाके हाथ रखा। मैंने कहा बेटी ये कूफे को क्या हो गया, कहां गए सारे कूफे वाले? कहते मेरी बेटी ने कहा बाबा एक बागी ने खरोंच किया। बाबा एक बागी ने खरोंच किया है, कूफे से करीब एक जमीन है करबला, करबला वहां पर वो बागी मौजूद है और हुकूमत ने ऐलान किया है जो भी उससे जाके जंग करेगा लड़ेगा उसको माले गनीमत में से हिस्सा मिलेगा और जो नहीं गया उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बाबा आप ही जल्दी जाएं, कहीं ऐसा ना हो मुखबरी हो जाए सिपाही आके आपकी गर्दन उतार दे। बाबा जाइए बेटी जी ना, बाबा जाइए हम खैरियत से हैं, आप जाइए करबला। अब्दुल्ला इब्ने अजदी कहता है मैंने सामान वहीं पे सहन में छोड़ा, मैं दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहता जब मैं दरवाजे के करीब गया पीछे से मेरी बेटी की आवाज आई बाबा जरा रुक जाइए। कहता मैं रुका तो मेरी बेटी ने कहा बाबा मैंने सुना है जब जंग खत्म हो तो माले गनीमत बढ़ता है। बाबा जब जंग खत्म हो ना माले गनीमत में से मेरे लिए सुर्ख अकीके यमनी लेकर आइए। बाबा मेरे लिए सुर्ख अकीके यमनी लेकर आए। अब्दुल्ला इब्ने अजदी कहते मैं घर से चला घोड़े पे बैठा, घोड़ा दौड़ाता हुआ करबला पहुंचा। कहते जिस वक्त मैं करबला पहुंचा असर का वक्त था, कहता असर का वक्त था, मैंने अजीब मंजर देखा करबला में, अजीब मंजर देखा, लाशें बिखरे हुए थे, जहां बजा लाशें बिखरे हुए थे और सारा लश्कर इतनी फौज इतना लश्कर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहता जब मैंने लश्कर पे गौर किया ना मुझे पता चला इसमें तो कितने मेरे जानने वाले कितने कूफे वाले हैं जो इस लश्कर में। कहता मैं भी लश्कर में शामिल हो गया और मुझे पता चला लश्कर में शामिल होने के बाद कि सबकी तवज्जो एक तरफ, सब एक तरफ भागे जा रहे हैं, सब एक तरफ हो रहे हैं। कहता मैंने देख सोचा मैं भी तो देखूं आगे क्या है अब सुन सकेंगे। कहता मैं लश्कर को चीरता हुआ जब आगे बढ़ाना मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी घोड़े की जीन पर जख्मों से जूझ हर कोई उसे मार रहा है। कहता मैंने सोचा यही वो बागी है, यही वो बागी है, एक बार मैं भी कर देता हूँ बेटी के लिए अकीके यमनी लेकर जाना है, एक बार मैं भी कर देता हूँ। कहता मैं पीछे से घोड़ा दौड़ाता आ गया, जब मैं करीब पहुंचा मैंने तलवार को खींचा, उस बूढ़े आदमी ने अपनी निगाहों को उठाया और निगाहों को उठा के कहा अब्दुल्ला मेरे करीब हो, अब्दुल्ला मेरे करीब आओ। कहा मैंने पुकार के कहा आपको मेरा नाम कैसे पता? अपने वक्त के इमाम को याद रखिएगा, आपको मेरा नाम कैसे पता? कहते उस बूढ़े आदमी ने कहा अब्दुल्ला देर ना करो, अब्दुल्ला देर ना करो, जल्दी मेरे करीब आओ। आखिरी औरत जो सुन रही है, अब्दुल्ला कहते मैं करीब गया, सुनेंगे? कहते जब मैं करीब गया उस बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी उतारी, अपनी अंगूठी उतारी मेरे हाथ में देखी थी और कहा अब्दुल्ला ही अपनी बेटी को दे देना, अब्दुल्ला ही अपनी बेटी को दे देना और उससे कहना मैं बागी नहीं हूं। अब्दुल्ला कहते हैं मैं खत्मों में गिर गया। मैंने कहा आप है कौन? कहा उसने पुकार के कहा मैं रसूल का नाम हुसैन, मैं अली का बेटा हुसैन, मैं ज़हरा का लख्त जिगर। अब्दुल्ला कहते मैं तड़पना शुरू हुआ, मैं कदमों में गिर के तड़पा। मैंने कहा मौला माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था मेरे वक्त का इमाम है। ओ मोमिनो बेखबरी, अब्दुल्ला का जुर्म बेखबरी, वो
अपने ईमान से बेखबर था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारा इमाम आए हम बेखबर ना हो। अब्दुल्ला कहते मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा मौला माफ कर दीजिए, मौला आपकी नुसरत करना चाहता हूँ, मौला आपकी मदद करना चाहता हूँ। सुनेंगे कहा मौला ने हुसैन ने आंखें उठा के कहा अब्दुल्ला नुसरत का वक्त खत्म हो गया। नुसरत का वक्त, वजादारों जागो, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि हम जाएं तो हमारा इमाम के बाद नुसरत का वक्त खत्म हो गया। कहा अब्दुल्ला नुसरत का वक्त खत्म हो गया, घर जा। कहा मौला नहीं, आपके ऊपर से जान फिदा करना चाहता हूँ, मौला नुसरत करना चाहता हूँ, मौला मदद करना चाहता हूँ। कहा अब्दुल्ला नुसरत का वक्त नहीं है, मदद का वक्त नहीं, मौला करना चाहता हूँ। कहा अगर मदद करना चाहते ना कूफे चला जा, कूफे चला जा, ये अंगूठी अपनी बेटी को दे देना और देख के कहना कि मैं बागी नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ। अगला जुमला सुनेंगे, कहते हैं अब्दुल्ला अगर मदद करनी हो ना अपनी बेटी से कहना जब मेरी ज़ैनब आए, जब मेरी ज़ैनब आए एक चादर जो किसी की बेटी को अंगूठी भी जोड़ रहा था करबला में उसकी बेटी के सकीना कानों की लौ को चीर के गोशवारे उतारे। मातम करके मातम करके मेरा चारों इमाम चारते नाहिया में